जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आरसीएस क्लासेस पे। तो आप जान चुके हैं कि मेरा जो लोग टेंथ में पढ़ते हैं उनका अभी लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, तो उसमें सब अपने अपने घर बैठे हैं। तो उसमें एक मेरा टेंथ और नाइन्थ में जो भी भाइयों पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सीरीज चल रहा है जो अभी एपी का चल रहा है समांतर श्रेणी का। उसमें हम अब आगे की प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, फैलाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको कुछ फायदा हो जाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे, 7 तक हो गया है एपी का, प्रश्नावली 5.3 के 7 तक प्रश्न हल कर चुके हैं हम लोग। आज हम उससे आगे की बात करेंगे 8 नंबर से और जितना हो सके उसमें हल करेंगे। और यह हम आशा करते हैं कि आप इसको देख रहे होंगे और इसको नोट कर रहे होंगे, और नोट करके आप इससे आपको जरूर कुछ ही कुछ फायदा हो रहा होगा। तो अगर फायदा होता होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 8 नंबर प्रश्न कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 51 पदों का योग। कहने का मतलब यह हुआ कि एन का वैल्यू यहां पे हमको मालूम चल गया क्या, 51। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। और 51 पदों का योग मतलब एस 51 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एस 51 बराबर हुआ। ठीक है, फिर आगे कहता है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, पहले दूसरा बोला तो दूसरा और उसके बाद तीसरा, 14 और 18 है। यानी कहने का मतलब A2 दूसरा पद है 14 और A3 है 18। तो हमको इस 51 तक निकालना है। तो पहला मेरा काम होगा, आप एक चीज समझ लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा, कोई भी एपी, एपी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि वैसे अंकों का समूह या श्रेणी जिसका अंतर समान हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि शुरू वाला वीडियो हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे नहीं, बीच से हम लोड कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उसको समय मिलेगा तो हम लोड कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये 2, 4, 6, 8 हुआ, तो इसको हम एपी कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा अंकों का श्रेणी है जिसके अंतर हमेशा लगातार दो पदों को अंतर समान है। देख लीजिए, 2 से 4 हो गया कितना बार है 2, 4 से 6 हो गया कितना बार है 2, यानी अंतर हमेशा 2 का है, 6 से 8 हो गया 2 बार है। यानी क्रमागत दो पदों का अगर अंतर समान हो तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। अब एक बात आपको समझ में आता होगा कि पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, अब एक बात बताइए हमको, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, अगर बताइए कि हम पहला पद में D जोड़ दें, जो अंतर था 2 जोड़ देते हैं, दूसरा पद प्राप्त होता है, और दूसरा पद में अगर D जोड़ देते तीसरा, यानी हम कह सकते हैं कि A2 बराबर A1 प्लस D, यानी पहले पद में अगर D जोड़ दे तो अगला पद निकल जाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगर मान लीजिए हमको पहला पद निकालना है तो क्या कर सकते हैं, दूसरे पद में से इसको घटा सकते हैं, A2 माइनस D अगर लिखेंगे तो A1 आ जाएगा। तो इस तरह का, इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरह का एपी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए, चूंकि A2 का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग, और यहां पे A3, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि A3 बराबर लिख सकते हैं A2 प्लस D, अगर दूसरा पद में D जोड़ देंगे तो तीसरा पद प्राप्त होगा ना। तो देखिए A3 के जगह तो मालूम है 18, A2 के जगह पर मालूम है 14 और D के जगह पर इतना। तो अब देखिए क्या होगा, इस 18 इधर 14 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो -14 बराबर क्या बच जाएगा D, तो D बराबर क्या आ जाएगा मेरा 4। क्योंकि हमको SN निकालने के लिए बोला है तो SN के लिए हमको D चाहिए, A चाहिए और N चाहिए, तो N तो मालूम है, D नहीं मालूम था तो D निकाल लिया, अब A चाहिए। तो देखिए फिर हमको क्या पता है कि A2 बराबर होता है A1 प्लस D या A प्लस D, पहला पद में अगर अंतर जोड़ देंगे तो दूसरा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, A2 का वैल्यू कितना है 14 बराबर, पहला पद तो मालूम नहीं है निकाल रहे हैं, और D का वैल्यू अभी ना निकाले हैं, कितना निकाले हैं 4, तो 4 यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए A बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर तो 14 है, ये है, और ये 4 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो -4 होगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा 10। अब लीजिए
ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, तो एस 51 नहीं निकलेगा। आराम से एसएन का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि एसएन बराबर होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई पर रखिए सारा वैल्यू, आप बनाइए तो देखिए एस 51 निकालना है ना, तो इनके जगह पर रख देंगे 51 बटा 2, 51 बटा 2, ब्रैकेट दे देंगे 2, ए का वैल्यू कितना निकला है 10, इंटू एन का वैल्यू 51 रखना है माइनस 1, इंटू डी का वैल्यू 4 है। अब देखिए क्या होगा, 51 बटा 2 तो कटेगा ना, तो इतने रहने दीजिए, इंटू 10 दूना 20, सॉरी प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पे, आ प्लस 51 में से 1 गया तो 50, आ 50 यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह, तो एक स्टेप और कर देते हैं, 50 गुने 4, ब्रैकेट बंद। अब सुनिए, 51 बटा 2 गुने 20 आ प्लस 50 गुने 4 ना, तो 5 के पहरा 4 दा पढ़ दीजिएगा, 0 बैठा दीजिएगा, 5 चौक 20 पर 0 200, ऐसे भी 50 चौका कितना होता है 200 होता है, 50 दुना 100 तो चौका 200, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 51 बटा 2 आ गुने 220, काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 मरत में, यानी इसमें गुना कर दीजिएगा तो गुना करने पर आएगा 1, सॉरी एगो तो 0 है तो 0 आ जाएगा, 11 से कीजिएगा तो 1, 5 1 6 5, यानी 56 10 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब बात कर रहे हैं 9 नंबर प्रश्नों का, तो 9 नंबर प्रश्नों में कहता है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी एस 7 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी एस 17 का वैल्यू दे चुका है 289। फिर मेरे क्वेश्चन में कहता है तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब कितना पद, यह कंफर्म नहीं दिया है कि 5 को निकालना है कि 4 को निकालना है कि 2 को निकालना है, कहता है एन पदों तक, यानी एन की जगह पे एन दे चुका है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चूंकि 7वां पद प्रथम 7 पद और 17 पद दे चुका है, तो इससे हम लोग ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एसएन निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, क्या प्रथम पद ए, अंतर डी और एन चाहिए, तो एन का वैल्यू तो एन नहीं दे चुका है और ए भी मालूम नहीं है, तो ये दोनों समीकरण से हम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, चूंकि एस 7 बराबर दे चुका है 49, तो बताइए हम लोग लिख सकते हैं एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इतना बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एस 7 ना बोल रहा है, यानी एन के जगह पर 7 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन के जगह पर 7 रख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि कहाँ से 7 आ गया, तो एस 7 बोल रहा है ना, फॉर्मूला होता है एस एन, तो एन के जगह पर यहाँ पे क्या दे रखा है 7, तो हम एन के जगह पे 7 लेंगे इसमें, ठीक है। तो 7 बटा 2 या क्या लिख सकते हैं इंटू 2 ए प्लस एन के जगह पर क्या लेंगे 7 माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, सॉरी डी का वैल्यू, तो डी तो मालूम नहीं है तो डी लिख दीजिए, अब बराबर 49। देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, बराबर के चिन्ह है तो इधर गुना में है, तो बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है, तो 7 से काट देंगे 7 7 49, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो देखिए, और ये 2 बटा में है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, तो 7 से 2 में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6, और डी है तो डी, और बराबर 2 से गुना हो जाएगा 7 में तो 14। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, देखिए ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से ऊपर में गुना होता है, क्रॉस गुना होता है जब बराबर रहता है, तो 2 नीचे था तो ऊपर 7 से गुना कर दिए हैं, 14 लिख दिए, और 7 ऊपर ऊपर था इसलिए 749 काट दिए, तो समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर क्या देख रखा है, पुनः हम लोग लिख सकते हैं क्या एस 17, नहीं तो एस 17 बराबर दे रखा है 289, तो एस 17 के एसएन के फॉर्मूला से हम लिख ही सकते हैं, एसएन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उसी हिसाब से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एन बटा 2, तो एन का वैल्यू कितना दिया है 17, 17 बटा 2 इंटू 2a प्लस एन के जगह पर क्या लेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए 289, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट बैठा दिए हैं, चूंकि यहाँ पे लिखे हैं तो इतना समझ ही लीजिएगा, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो देखिए 289 को अगर 17 से काटते हैं तो 17 से 17 मरतब में कट जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है।
अब होगा क्या, और ये दो नीचे है भाग में तो उधर 17 से गुना हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 2a प्लस 17 में से एक गया था 16 और डी, तो 16d बराबर क्या बच जाएगा 17 दूना 34, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। यहाँ का चिन्ह देते रहिएगा बराबर से पहले। अब देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है और समीकरण सेकंड यहाँ पे है, अगर हम यहाँ भी दो है एक पद बराबर है, तो जब एक पद बराबर रहेगा तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे तो हमको एक एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और फिर वह वैल्यू किसी समीकरण में डाल देंगे तो फिर दूसरा निकल जाएगा और फिर आगे क्वेश्चन। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, अब फर्स्ट क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, ठीक है, यह समीकरण पहला है। दूसरा क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34, हम लिखे हैं घटाने पर ना, तो जब भी घटाया जाता है तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस। अब आराम से आप समझ जाइएगा यह क्या होगा माइनस, यह क्या होगा माइनस, और यह क्या होगा माइनस, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए प्लस में दो गो या माइनस में दो गो तो सेम चीज है तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यह कट गया। अब देखिए यहाँ पे 6 गो ऊपर प्लस में डी है और नीचे 16 गो माइनस में है, तो 6 गो प्लस में और 16 गो माइनस में, तो अगर मान लीजिए कि आप 16 रुपया कोई चीज कर्जा में है, 6 रुपया आपके पास है, तो आप कर्जे वाला को अगर वो जो है सो आप दे दीजिएगा तो 10 रुपया कर्जा में बचिएगा, यानी माइनस 10 कहती तो डी, फिर वही बात है उधर 14 प्लस में 34 माइनस में घटा लीजिए तो माइनस में 20 बचेगा। ऐसे भी एक बात ध्यान में रखिएगा, जो ज्यादा रहता है उसका चिन्ह आ जाता है, प्लस में हो या माइनस में, तो 34 ज्यादा है, अब काटिए 10 से 10 दूना 20 आई माइनस 2 से माइनस खत्म, डी का वैल्यू कितना आ गया। अब यार डी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट या सेकंड में हम लोग डाल के ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए इस चीज लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, ठीक, a का वैल्यू कितना नहीं, सॉरी d का वैल्यू 2 आया है, यहाँ पे रखेंगे 2a प्लस 6 गुने 2, d के जगह पे 2 रख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू निकल के आया है, ठीक है सर जी, बराबर 14, तो 2a प्लस 6 दुना 12 बराबर 14। एक स्टेप और देखिएगा क्या कर सकते हैं, 2a बराबर देखिए 14 उधर है, 12 को उधर ले जाएंगे तो घटेगा कि ना, बराबर के उधर जा रहा है, पहले ही बता चुके हैं, तो 14 माइनस 12 तो 2a बराबर बच जाएगा 2, घटा लीजिएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी इधर लिख देते हैं a बराबर क्या आ जाएगा 1। अब लीजिए a d का वैल्यू मालूम है और n के जगह पे n निकालना हमको कहता है, sn तो आराम से निकाल सकते हैं, तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इधर देख लीजिए जगह नहीं है इसलिए इतना में हम बना देते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा सीरियली वाइज उतारिएगा अपने कॉपी में इसको, फिर उसके नीचे इसको, क्योंकि इस पे बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए हम इधर उधर बनाते हैं, लेकिन आप जिस तरह से हम सीरियली से बनाते हैं उस तरह से आप नीचे नीचे उतारते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो अगर इस तरह से आप बोर्ड में बनाइएगा तो नंबर काट लेता है, ठीक, तो आप सीरियली वाइज बनाइएगा। तो देखिए तो SN बराबर क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसमें n की जगह पे n रखा है, कहा है यही चीज समझ लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है एन बटा टू इंटू टू, ए का वैल्यू कितना निकल के आया है 1, तो 1 रख देते हैं, अब प्लस एन माइनस 1 क्योंकि एन का वैल्यू मालूम नहीं है, डी का वैल्यू 2 निकल के आता है, यहाँ पे 2 रख देंगे, इसी का वैल्यू जो आ सोल्यूशन करने के बाद वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिख सकते हैं एन बटा टू इंटू दू एकम दू और प्लस दू से एक एक करके गुना करेंगे, ठीक ना, तो दू से एन में गुना करेंगे तो दू एन और माइनस फिर दू से गुना करेंगे एक में तो दू, ठीक है। अब क्या होगा दू से दू कट जाएगा क्योंकि प्लस में है माइनस में है, तो क्या बच गया देख लीजिए आप लोग एन बटा टू, अब बच गया इधर केवल 2n, अब दू से दू कट जाएगा तो क्या बच गया n गुणे n, तो n स्क्वायर, आपका यही आंसर हो जाएगा n पदों का योग, ठीक है। अगला बताते हैं, अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न का दोस्तों, तो 10 नंबर प्रश्न में क्या कहता है पहले सुन लीजिए, कहता है दर्शाइए कि a1 a2 कॉमा डैश 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 an से एक एपी बनती है, यदि एन नीचे दिए गए हैं और एक में एन कैसे दिया गया है देख लीजिए, एन बराबर 3 + 4n दिया गया, ठीक है, और कहता है कि नीचे दिए अनुसार परिभाषित है
और नीचे फिर कहता है कि साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यानी एन का वैल्यू 15 हमको मालूम चल गया, 15 पदों का योग मतलब एन का वैल्यू मालूम चल गया 15। यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है दोस्तों, तो आप एक चीज मालूम है कि अगर आपको पहला पद सार्वंतर मालूम रहता तो आराम से 15 पद का योग आप ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पे पहला पद मालूम नहीं है, सार्वंतर मालूम नहीं है, डी मालूम नहीं है, तो देखिए जो एन दे रखा है उसमें हम एक रख के पहला पद निकाल लेंगे, दो रख के दूसरा निकाल लेंगे, और जब दूसरा और पहला मालूम चल जाएगा तो दूसरा में से पहला घटा लेंगे तो अंतर मालूम चल जाएगा और हम एन निकाल लेंगे। तो देखिए क्योंकि एन बराबर क्या है 3 + 4n, और एन की जगह पर एक रखेंगे तो यह पहला पद होगा ना। अब देखो 3 + 4 × 1, तो a1 बराबर लिख सकते हैं 3 + 4 बराबर क्या हो गया 7, पहला पद 7 आ गया। फिर दूसरा पद अगर लिखना होगा तो एक एन की जगह पर 2 रख रहे थे, हम एन की जगह पर 2 रख देंगे तो 3 + 4 × 2। अब देखिए क्या होगा 3, कोई लेकर देखिए बोर्ड मास अगर आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, अगर बोर्ड मास ना जानते होंगे तो आप लोग कहिएगा कि 4 × 3 = 7 × 2 = 14, नहीं गलत हो जाएगा। सुनिए पहले गुना का काम होता है बोर्ड मास में, पहले गुना का काम होता है एक याद रखिएगा, पहले का करूं पीछे भागा और गुना करूं तब जोड़ घटावा, यानी कि पहले का काम होता है बोर्ड मास के हिसाब से और फिर भाग का तब गुना तब जोड़ तब लास्ट में घटाव का काम होता है। तो पहले क्या करेंगे जोड़ का काम नहीं करेंगे गुना करेंगे, तो 3 + 4 × 8 इस तरह से क्या आएगा 11, अगर पहले जोड़ दीजिएगा तो आएगा आंसर 14, तो ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। अब देखिए पहला पद तो मालूम चल गया साहब, दूसरा पद मालूम चल गया 11, अगर अंतर निकालना होगा डी तो हम दूसरा a2 - a1 कर सकते हैं कि ना, दूसरा में से पहला कितना बढ़ा, तो अगर 11 में से आप 7 घटा लीजिए तो कितना आएगा 4, a मालूम है d मालूम है, a का वैल्यू 7 पहला पद 7, d का वैल्यू मालूम है कितना 4, आराम से 15 पदों का योग नहीं निकल सकता है, n तो पहले ही दे रखा है 15, आराम से हम निकाल लेंगे क्या 15 पदों का योग। तो देखिए एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अब देखिए क्या होगा एसएन बराबर होता है n/2 × (2+n-1)d। अब लीजिए सब तो दे रखा है, मैंने चावल दाल सब कुछ दे रखा है, आपको खाली खिचड़ी बनाना है तो बन ही जाएगा ना। तो देखिए एन की जगह पर क्या देकर रखा है 15, आई बटा में 2, देखिए यहाँ दिले है 15, कहता है 15 पदों का योग मतलब एन 15 समझा चुके हैं, आ इंटू 2, एक जगह पर था 7 निकालने हैं, पहला पद को ए लिखिए चाहे ए वन लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ इंटू प्लस का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे, आ एन के जगह पर था 15, आ माइनस 1, आ डी तो निकाल ही लिए हैं कितना है 4, लीजिए हल ना कर लीजिएगा इतना से 15/2, ठीक है 15/2 ब्रैकेट दे दीजिए 7 × 14 आ प्लस 15 में से एक घटा लेंगे तो 14। अब यहाँ पे देखिएगा फिर बोर्ड मास का काम करता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक ना, तो ब्रैकेट में पहले घटा लेंगे तो 15 में से एक घटाना तो 14 आ गुने 6, फिर देखिए 15/2 आ पहले जोड़िएगा 14 × 14 = 28, नहीं पहले गुना होगा ना जोड़ेंगे तो नहीं बोर्ड मास के हिसाब से, तो 14 + 14 = 56, तो 15/2 इंटू को हटा दीजिए, एक बीच में कुछ होना था गुना का चिन्ह है पहले बता रखे हैं कि गुना में रहता है, आ 14 में 56 जोड़ दीजिएगा तो कितना 70 होगा कि ना, तो 70 आ 2 से काट दीजिए तो 35 मरता ना, यानी 15 × 35 कर लीजिए इतना तो ऐबे करता होगा, कीजिए 15 × 5 = 75 × 5 = 7, आ 15 × 3 = 45 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 52, यानी 15 पदों का योग 525 आंसर आ जाएगा। तो यह 10 का पहला था, 10 में 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो फिर हम दूसरा दोस्तों 10 का 2 नंबर जो 10 का 1 बना है सेम टू सेम एकदम सेम वैसा ही है, तो आपको हम क्वेश्चन उसको नहीं बना रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन अपने बनाइएगा एनसीईआरटी के बुक लेकर के और देखिएगा कि बन पा रहा है कि नहीं, सेम था इसीलिए छोड़ दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की और बना रहे हैं, तो अगर यह आपको अच्छा लगे इससे कुछ आपको हेल्प हो रहा है तो आप दोस्तों को बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमको भी अच्छा लगे और इस तरह का वीडियो हमेशा आपके लिए हम बनाते रहें, जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप छोटी सी एक सब्सक्राइब करना है जिसमें आपको ना कुछ पैसा लगता है ना कुछ लगता है, तो इतना ही तो कर भी सकते हैं, तो कीजिए और हमको मोटिवेट कीजिए तो इस तरह का वीडियो हम डालते रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का, और 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है सो देख लीजिए,
कहता है कि यदि किसी एपी का प्रथम एन पदों का योग फोर एन माइनस एन स्क्वायर है, ऊपर लिख दिए हैं एस एन का वैल्यू दे चुका है इस रूप का है तो इसका प्रथम पद यानी ए वन, और एक बात जान लीजिए जो प्रथम पद का है चाहे प्रथम पद का योग तो उतना ही दोनों बराबर होता है यानी एस वन बराबर होता है ए वन का, तो वो क्या है प्रथम दो पदों का योग यानी एस टू, दूसरा पद यानी ए टू, और इसी प्रकार तीसरा पद यानी ए थ्री, दसवां पद यानी ए दस, और एनवे पद यानी एस ए सॉरी ए एन ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप जानते हैं कि एस एन में प्रथम पद का योग का है चाहे प्रथम पद का है वह बराबर होता है, तो एस एन का वैल्यू दे रखा है इसमें अगर हम एक रख देंगे वैल्यू तो पहला पद निकल जाएगा, दो रख देंगे तो वह एस दो दो पदों का योग निकल जाएगा, और दूसरा पद मतलब पहला पद प्लस ए टू यानी ए वन प्लस ए टू एस टू बराबर होता है, दोनों पदों का जोड़ देते हैं तो आता है, तो एस में से अगर हम ए वन के वैल्यू घटा लेते हैं तो दूसरा पद ए टू निकल जाएगा, फिर ए टू और ए वन से डी निकाल लेंगे तो डी मालूम चल जाएगा, और उसमें ए टू में अगर डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद ए थ्री बराबर होता है ए टू प्लस जी, और फिर दसवां पद कहता है तो एन बराबर फॉर्मूला आप जानते ही हैं, उसमें एन के जगह पे दस ए डी तो मालूम चल ही जाएगा, इससे उसका वैल्यू पुट करके दसवां निकाल लेंगे, और फिर कहता है एनवे पद, तो एन के जगह पे वैल्यू नहीं दे रखा है कि पांचवा पद या छठा पद, सीधे कहता है एनवा पद, यानी कहने का मतलब हम एन के जगह पे एन ही रख करके और ए और डी का वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए चूंकि एस एन का वैल्यू इतना है ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं ए वन बराबर एस वन, यानी ए वन जो होता है एस वन के बराबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं दो और चार हुआ छ हुआ या एपी, तो हम आपको कहेंगे कि बताइए पहला पद बताइए, तो आप एस और पहला दो है तो दो हो जाएगा ठीक, हम कहेंगे प्रथम पदों का योग बताइए तो अरे प्रथम पद दो है यानी जोड़िएगा तभी तो ये आएगा, एक के पद चाहिए ना, लेकिन आपको कहेंगे दो पदों का योग बताइए, अगर दूसरा पद पूछेंगे तो आपका जवाब होगा चार, लेकिन आपको कहेंगे कि आप कहेंगे हमको आपको हम कहेंगे कि दो पदों का योग बताइए तो आप कहेगा सर दो प्लस चार छः, यानी दोनों का जोड़ ए वन प्लस ए टू छः होगा, तो वही चीज़ समझना है हमको। देखिए यहाँ पे तो एस वन बराबर इसमें वन पुट कर देंगे तो पहला पद आ जाएगा, तो यार देखिए एन के जगह पर चार था, एन के जगह पर एक रख दिया चार एकम चार और माइनस एन का स्क्वायर यानी एक, एक के स्क्वायर, तो चार एकम चार में से एक गया तो एक सॉरी चार और एक के स्क्वायर एक, तो चार में से एक घटा लिया तो तीन, फिर कहता है दूसरा नंबर में एस टू ज्ञात करें तो एन के जगह पे दो रखेंगे एस टू निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे चार गुने दो क्योंकि चार एन था माइनस एन स्क्वायर है तो एन के जगह पे टू रख के टू के स्क्वायर कर देंगे ठीक, तो क्या होगा चार दूना आठ माइनस दो के स्क्वायर चार, अब समझ लीजिएगा बच्चा लोग कहता है कि दो दूना चार, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, दो के स्क्वायर का मतलब होता है दो गुने दो ठीक, अगर कभी कभी दो का आपको क्यू दे देगा आप समझिएगा दो तीय छोटी तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि आप दो गुने दो गुने दो तीन डा लिखिए, दो दूना चार दूना आठ होगा, दो दूना चार दूना आठ, ऐसे छः लिखिएगा डायरेक्ट गुना का गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा चार करेंगे आठ में से चार जाएगा तो चार आ जाएगा, तो यह एस टू निकल गया। आप अभी बताए हैं कि एस टू बराबर ए वन प्लस ए टू होता है, तो एस टू बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए वन प्लस ए टू, अब यहाँ पे देखिए एस टू का वैल्यू हमको चार निकल चुका है और ए वन का वैल्यू देखिए यहाँ पे तीन निकला है कि नहीं, तो हमसे ए टू निकल जाएगा आराम से सॉरी प्लस का चिन्ह देंगे, तो ए टू बराबर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चार आई माइनस प्लस तीन तीन इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर के, तो क्या हो जाएगा या का चिन्ह दीजिएगा बराबर से पहले, तो देखिए ए टू बराबर इधर लिख सकते हैं एक ए टू बराबर एक आ जाएगा ठीक है, और फिर कहता है तो ए टू बराबर वन हो गया, अब उसके बाद देखिए ए वन का वैल्यू मालूम है और ए टू का वैल्यू यहाँ पे वन निकल गया, ए वन का वैल्यू तीन निकल गया, तो हमसे पूछता है तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर हम लोग जानते हैं कि ए टू प्लस डी, तो डी मालूम नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो डी निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः डी बराबर ए टू माइनस ए वन और ए टू का वैल्यू एक ए वन का वैल्यू तीन आ चुका है आप लोग मालूम है, तो एक में से तीन घटाइएगा तो बताइए नहीं ना घटेगा तो उल्टा घटा लीजिए तीन में से एक और आंसर माइनस में घटा दीजिएगा यानी माइनस डी, तो ये तो पहला आ गया, अब हमसे पूछ रहा है ए थ्री, तो ए थ्री का जवाब क्या होगा ए टू में डी जोड़ दीजिए तो तीसरा निकल जाएगा, तो ए टू का वैल्यू एक आया था इसमें डी जोड़ना है यानी जोड़ना है कितना माइनस डी, तो एक और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस दो, तो क्या आ जाएगा एक में से दो घटाएगा तो माइनस एक नौ घटेगा तो उलट के घटा लीजिए, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कैसे हो गया तो आप ध्यान में रखिएगा गुना में
प्लस सेम सेम गुना कीजिएगा, सेम सेम प्लस में प्लस से तो प्लस आएगा, चाहे माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा, लेकिन अगर एक प्लस हो माइनस हो, चाहे माइनस हो प्लस हो, अगर गुना कीजिएगा तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हमसे क्या पूछा है, ए दस, तो ए एन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू जी, इसमें दस एन के जगह पे कह रहा है, एन के वैल्यू दस, तो दस बिठा दीजिए, तो ए का वैल्यू तो निकल ही रहा है ना, ए कितना निकाले हैं, ए वन का वैल्यू तीन आ प्लस एन के तो दे दिया है दस आ माइनस वन, आ डी का वैल्यू कितना निकालने हैं, देखिए तो इधर कहाँ गया माइनस दो, तो यहाँ पे माइनस दो रख दीजिए ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा तीन आ प्लस दस में से एक घटेगा तो नौ, ठीक है, आ गुने दो तो नौ आ गुने माइनस में दो रख दीजिए, फिर यहाँ ऊपर देखिए थोड़ा सा तीन आ प्लस, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, नौ प्लस में है आ दो माइनस में, अभी बताया प्लस एक सेम सेम चीज नहीं है, एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, नौ दो ना अठारह, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस अठारह, देखिए तीन में से अठारह घटेगा तो कितना होगा, तो उल्टा नहीं घटेगा तो उल्टा घटा लीजिए, अठारह में से तीन और तीन माइनस कर दीजिए क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है अठारह, तो घटा लीजिए तो पंद्रह आ जाएगा माइनस में, ए टेन निकल गया। फिर कहता है एन निकालिए, तो एन का मतलब कि एन का वैल्यू कन्फर्म नहीं दे रखा है, तो इसी में क्या कीजिएगा कि एन के वैल्यू खाली नहीं रखिए, यहाँ पे एन बराबर कहता है, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें खाली ए का वैल्यू रख दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना है तीन, और प्लस एन नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, एन का वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, तो एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस दो आया है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, थ्री आ प्लस, अब एक एक करके गुना कर दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट में है, दोनों ब्रैकेट में है, जब इस तरह का कभी भी हो तो जिस तरह से आप लोग भोज खाते हैं उसी तरह का नियम लगाइएगा, कि अगर मान लीजिए भोज खाने के लिए बैठा हुआ है और ये खिलाने वाला है तो एक एक करके दोनों को खिलाएगा, यानी खिलाने का मतलब गुना समझिएगा, तो माइनस दो में एन से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो एन प्लस में है माइनस से गुना करेंगे, तो फिर ध्यान में लीजिए माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, तो माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और दो में एन से गुना करेंगे तो दो है, अब फिर देखिए एन से तो हो गया, अब दो में एक से गुना करेंगे, अब यहाँ पे देखिए माइनस दो में माइनस एक से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में भी एक है और दो भी माइनस में है, सेम सेम चिन्ह रहेगा तो गुना में प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा दो एकम दो प्लस में, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा तीन प्लस में है कुछ नहीं पीछे, तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है और दो प्लस में, तो इसको जोड़ दीजिए सेम सेम चीज के, तीन आ दो पांच आ माइनस दो एन, यानी एन का वैल्यू इतना आ गया, तो यही मेरा सबका जवाब हो गया, ठीक है। एक एक करके इसमें हमसे पूछा था क्या, ए वन का वैल्यू पूछा था, तो ए वन का वैल्यू थ्री निकालिए, एस टू का वैल्यू पूछा था तो दो रख के चार निकालिए, फिर ए टू का वैल्यू पूछा था तो ए टू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डी निकालने के बाद फिर कहाँ गया यहाँ पे निकाले ए टू का वैल्यू वन, फिर ए थ्री का वैल्यू यहाँ पे टू निकाले हैं माइनस में टू, ए दस पूछा था तो दस का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे देख लीजिए माइनस में पंद्रह, और एन वैल्यू पूछा था तो एन का वैल्यू कितना है पाँच माइनस टू एन, तो आपका ग्यारह नंबर तक ये खत्म हुआ, और अगले थोड़ा सा अगले टाइप दूसरे टाइप का है तो अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब आपको समझ में आए तो कमेंट भी कीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपका हम हमेशा मदद करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।